हाय गाइस, माय नेम इज़ सौरभ। ये मेरा सेकंड वीडियो है और मैं नेतरहाट टूर पे निकला हूँ। इस वक्त मैं अभी आधे रास्ते पे हूँ। घाघरा एक ऐसा जगह बोला जाता है, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मैं घूमने निकला था और वो मेरा जो है 2 साल पहले का टूर था। इस बार मैं अकेले ही निकला हूँ। फिर ठंडा अब शुरू होने वाला है तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टूर रहेगा। मौसम बहुत अच्छा है और व्यूज़ भी बहुत सुंदर है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। पीछे का जो है पहाड़ है, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, आई थिंक सो मुझे लगता है। और ये काफ़ी खुला जगह है। अभी तो वीडियो शुरू हुआ है, इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, हिल्स हैं, जंगल है, काफ़ी सुंदर मतलब व्यू है, आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं। और अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे, पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसका वीडियो देखने मिलेगा। मैंने जो दोस्त के साथ एक्सप्लोर किया था, काफ़ी दोस्त लोग हैं और काफ़ी अच्छा वीडियो था वो। अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि पहले जैसा ही वीडियो बने और आप लोग इन्जॉय करें। अभी यही सनसेट पॉइंट पे हूँ और काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, आई थिंक सो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं पार्क की हुई है और आगे भी देख पाएंगे, काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है। और सनसेट का टाइम भी हो गया है तो मैं चलता हूँ, जल्दी से सनसेट को शूट करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। सनसेट पॉइंट पे हूँ और यहाँ का सनसेट पॉइंट व्यू बहुत ही अच्छा है, मैं देख रहा हूँ और इसे शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, बताइए मुझे कैसा है।
हाँ गाइज, मैं अब सनसेट के बाद अपने रूम पे लौट आया हूँ। काफ़ी थक गया हूँ और अब खाने का टाइम हो गया है। वैसे होटल का लाइट्स काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है, बैठने का मन कर रहा है यहाँ पे मेरा। मैं नीचे कवर करने की कोशिश करता हूँ, कैसा लगता है चलिए देखते हैं। एक स्टैचू बना हुआ है, काफ़ी यहाँ से तो दिख नहीं रहा है उतना अच्छे से। चलिए नज़दीक से चल के देखते हैं कैसा लगता है। काफ़ी अच्छा घुमावदार रास्ता है, चलिए नज़दीक से देखते हैं स्टैचू को। आई थिंक सो ये लग रहा है झारखंड के कल्चर को दर्शा रहा है। इन्होंने वाद्य यंत्र लिए हुए हैं बजाने के लिए। ये बाजा है। दिन वहां के देखने से ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा है, काफी सुंदर बनाया है। तो अभी मैं बैठ गया हूँ एक जगह यार, काफी थक गया हूँ और लाइट्स अच्छा लगा है इस होटल ने। थोड़ा सा अंधेरा भी है। चलिए फ्रेंड्स, सुबह अब मिलते हैं, सुबह देखते हैं कैसा लगता है। एक बार मैं फिर से कोयल पॉइंट की तरफ जाऊंगा और देखता हूँ कैसा लगता है सनराइज। हाय गाइस, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ सनराइज पॉइंट है एक, यहाँ पे कोयल व्यू पॉइंट कहा जाता है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और चलिए देखते हैं कैसा लगता है सुबह का सनराइज। और मुझे बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको भी अच्छा लगता है। तो मैं निकल रहा हूँ अब और देखते हैं कैसा है पॉइंट है, कैसा है वहाँ का व्यू दिखता है, और आप लोग भी मुझे बताइए। मॉर्निंग का टाइम है, कोयल व्यू पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं कोयल व्यू पॉइंट की तरफ आ गया हूँ, काफी सुबह है। चलिए देखते हैं सनराइज। गाइस, मैं अभी कोयल व्यू पॉइंट पे हूँ और पीछे का नजारा, काफी गाड़ियां आई हुई हैं और ये लोग तो कैंप कर रहे हैं। Wow, it's so beautiful. Camping. You and me. We meant to be.
in the great outdoors, forever free. लोअर घाघरी के रास्ते पे हूँ और लोअर घाघरी को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। We are in Dak Bangla. अब हम लोग Dak Bangla में हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं आगे कैसा नजारा है। काफी पुराना Dak Bangla लग रहा है नेतरहाट का।
घाटी काफी सुंदर है। डाक बंगला में हूँ और डाक बंगला में काफ़ी सुंदर पॉइंट है। ये भी एक अच्छी जगह है नेताहाट में घूमने का, आप देख सकते हैं एक पॉइंट है ये। ये है डाक बंगला और सामने में काफ़ी अच्छा पॉइंट बना है, आप लोग देख सकते हैं घाटी है नीचे और जंगल है, काफ़ी सुंदर है। चलिए आगे देखते हैं कैसा लगता है। डाक बंगला का एक और नज़ारा पीछे साइड का, ये डाक बंगला है। यहाँ रहने की भी सुविधा है सभी के लिए, आम लोगों के लिए भी, और ऐसे सरकारी गेस्ट हाउस कहा जाता है इसे, लेकिन आम लोग भी रुक सकते हैं। यह है डाइनिंग हॉल खाने पीने के लिए। सामने का पॉइंट है जहां पे मैं अभी थोड़ी देर पहले था। तो गाइस मैं कहूंगा अगर आप लोग नेताहाट कभी आते हैं तो एक बार डाक बंगला भी ट्राई करो रहने के लिए, काफी अच्छा जगह है और यहाँ पे जनरेटर सुविधा भी है। मुझे लगता है कि सुबह का नज़ारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा और रात में तो आप एंजॉय करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग को और क्या मिलता है। अभी मैं नेताहाट स्कूल के पास हूँ और स्कूल अभी बंद है क्योंकि अभी COVID-19 की वजह से यहाँ पे बच्चे लोग छुट्टी पे हैं, सभी को घर गए हुए हैं। ये स्कूल का ग्राउंड है, काफी सुंदर जगह है ये।